भाई जरा वो ब्रेड दीजिए और वो कॉफी चाय है और दूध ब्रेड नहीं ब्रेड तो ले लिया दूध और बिस्किट्स बस ये हो गया आपके पैसे अरे हाँ आपके यहाँ न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर तो नहीं भेजते पढ़ने को चाहिए तो देती हूँ शुक्रिया नहीं बीबी जी रात से तो कुछ नहीं खाया है अभी भी नाश्ता ऐसे ही पड़ा है नहीं ऑफिस तो जा रहे हैं आप बोलिए ना आप बोलिए शायद कुछ खा के जाएंगे किसका फोन है मेरे प्रीति बेबी हेलो मिट्टी मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है बिल्कुल हाँ? नहीं वो ऐसे ही खाने को मन नहीं कर रहा है अरे नहीं 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 वैसे कोई बात नहीं है मैं तो निकल रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए नहीं तुम्हारी मम्मी का फोन नहीं आया अरे अरे तू मेरी चिंता क्यों कर रही है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ देखो ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है मैं शाम को बात करूंगा हाँ तो सुनो अभी कोई कुछ पूछे तो फिलहाल कुछ ना कहना ही बेहतर होगा ओके बाय बाय मरियम ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालें साहब गाड़ी रेडी है मानसिंह ऑफिस में फोन करो मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा जी साहब
जॉब रिसेप्शनिस्ट। आप जाइए इंटरव्यू के लिए और इनके बाद आप एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हेल्प यू, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। किस पोस्ट के लिए? वही रिसेप्शनिस्ट वाला, मैंने आज सुबह फोन किया था ना। आई थिंक मैडम कहीं कोई गलती हो गई है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए तो हम लोग कुछ यंग आई मीन कम उम्र की लड़कियाँ ही हायर करते हैं, एंड यू नो यंगर गर्ल्स। समझ गई मैं। नमस्ते। अरे ये क्या है, ये क्या हुआ भाई, कोई भुचाल भुचाल आया था क्या? अरे आपको भी हर वक्त कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करने को चाहिए, चैन से नहीं बैठ सकती आप। कुछ और नहीं मिला तो घर ही तोड़वा के रख दिया। हाँ नहीं यार, ये जब से रेनोवेशन स्टार्ट हुआ है दिमाग खराब हो गया है। हाउ कैन यू लिव विद ऑल दिस? हाँ किचन इधर डाल दिया और सोफा इधर। मत देख। तो बेड कहाँ है? बेड उधर है पीछे वाले कमरे में अभी। यार अच्छा वाला महेश ने कहा था कि कंपनी फ्लैट दे रही है 3-4 महीने के लिए, शिफ्ट होना है तो हो जाओ जब तक ये बनता है। बट देन आई थॉट कि यार शिफ्टिंग का भी वही हैसल है ना, सारा सामान पहले लेके जाओ फिर वापस देना। आई थॉट चलो पड़े रहो यहाँ, क्या फर्क पड़ता है। नाशी ऐसे छोड़, ये बता तेरा गोवा का ट्रिप कैसा था? अरे गोवा का ट्रिप बहुत मज़ेदार था, वी एंजॉयड रियली। लेकिन पहले एक अच्छी खबर तो सुनाने दे। क्या? ये ले मिठाई का। मिठाई की? विनीत की एंगेजमेंट हो गई है। विनीत शादी कर रहा है? हाँ विनीत शादी। इतना बड़ा हो गया वो? और क्या बड़ा हो गया। हाँ यार मुझे तो वैसे याद है, छोटा सा याद है, स्कूल से हम आते थे भूखे प्यासे और वो ब्रेड का डिब्बा छुपा लेता था। हाँ भी बड़ा हो गया क्या उसके पीछे? वही देहरादून की एक लड़की है। अच्छा और वो शर्मा से याद है? ऑर्चर्ड्स वाले शर्मा? हाँ ऑर्चर्ड्स वाले शर्मा, छोटी सी लड़की। हाँ वही अभी बड़ी हो गई है। दोनों एक साथ काम करते हैं होटल लाइन में। रियली? और अभी मैं अगले हफ्ते शादी के लिए जा रही हूँ, इस महीने की 22 तारीख को शादी है। यार तेरे बड़े मजे हैं यार, तू अभी देखा गोवा से आई है और अभी देहरादून जाएगी। काम भी तो है ना नाशी, मम्मी अकेली हैं, शादी की कितनी तैयारियाँ करनी हैं। और सुधीर भी नहीं जा रहा है। क्यों, सुधीर शादी नहीं अटेंड करेगा? उसका एक मेजर शिपमेंट अटका हुआ है। सुधीर का एक्सपोर्ट पहले। 22 की शादी है ना, 23 को वापस आ जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24। और शादी में बड़ी बहन होने की वजह से रंगी और होता है। हाँ, भाव मिलता है ना? जी हाँ मिलता है। और आपको लेकिन भाव की क्या कमी है, भाव तो यार हम लोगों को जरूरत होती है जिनको कोई पूछता नहीं है। अच्छा अच्छा सुनिए मैडम, अभी इस बार आप मेरे साथ देहरादून जरूर चलेंगी, तुझे हाँ। भी चलना होगा और महेश को भी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे छोटे भाई की शादी है। हूं यार आई वुड लव टू कम बट यू नो। ए क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? वो तार खींच रहा है, टूट जाएगा, खींच रहा है, दिखता नहीं तुमको? यार महेश का तो तू भूल ही जा, और मैं मेरा देखना क्या हाल है। देख तुझे लगता है कि मेरा यहाँ इस सब में से निकलना पॉसिबल है? आई मीन लुक एट दिस, किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है। जो लाइफ का हाल है ना वही घर का भी हो गया। नाशी क्या बात है, तेरा ध्यान इतना उखड़ा हुआ क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रेगुलरली चेकअप्स करवा रही है ना? हाँ यार वो सब ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम तबीयत की नहीं है मीता, प्रॉब्लम कुछ और ही है। वो मुझे मालूम है, वो प्रॉब्लम है सारी दिमाग की और उसका कुछ नहीं हो सकता। सॉरी आई टेल यू मीता, जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता है ना
बहुत सुखी रहते हैं लाइफ में, सच। देखना, किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, किसी चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं करना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग इज़ फाइन। अच्छा सर, तू जब यहाँ नहीं थी तो गेस व्हाट? गेस व्हाट? मम्मी आई थी देहरादून से। अच्छा, तीन चार दिन रहकर गई। रियली आई मिस्ड हर। कैसी है आंटी? वैसी ही चार्मिंग सी। बिल्कुल, शी इज़ अडोरेबल ना। या, और एकदम इनोसेंट जैसे थी, यू नो मामा। या, बहुत अच्छा लगा यार, तीन चार दिन उनके साथ। वेरी नाइस, मस्ट बी। बट व्हाट यार, लेकिन मम्मी भी मुझे समझती नहीं है। मतलब उनको लगता है कि आई हैव गॉट एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे खुश होना चाहिए। शुक्रिया नाशी, कभी कभी तेरी बातें मुझे बहुत वेग लगती हैं, समझ ही नहीं आता तू चाहती क्या है, कहती क्या है। तू इतनी रेस्टलेस क्यों रहती है नाशी? अच्छा एक काम कर, तू मेरे साथ देहरादून चल, सब फिट हो जाएगा। सच मीता, कभी कभी मेरा पता क्या दिल चाहता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर भाग जाऊँ अकेली, और किसी को मालूम नहीं हो मैं कहाँ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, राइट? गुड मॉर्निंग मैडम। मरियम, कैसी हो मरियम? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मैडम? अरे मुझे क्या हो गया, मैं अच्छी खासी हूँ। आओ आओ बैठो ना। नहीं। क्या पियोगी? चाय पियोगी, कॉफी पियोगी? नहीं, मैं आपके लिए बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आज ही सुबह को मैं सब कुछ लेके आई। देखो ये कॉफी है, ये चाय है, यहाँ एक दुकान है, जरूरत की हर चीज मिल जाती है। बहुत अच्छी है ये जगह, बड़ी शांति मिलती है यहाँ, एक अजीब सा सुकून है। थोड़ी सी कुछ मैला तो है, बस थोड़े ही दिनों में देख लेना, मैं सब कुछ साफ वाफ कर दूंगी, मैं फर्श को भी धो दूंगी। यहाँ से थोड़ी सी धूप आती है, मैं सोच रही हूँ कि पर्दे के बजाय अगर मैं चीख लगा दूँ तो कैसे लगेगा मरियम? ठीक ही लगेगा, और इस दीवार पे तो भगवान की तस्वीर होनी ही चाहिए, और यहाँ मेरे बच्चों की तस्वीर होनी चाहिए, हर वक्त मेरी नजरों के सामने, और वहाँ इस कोने में। मैडम, मैं माली से कहूंगी कि एक कुछ प्लांट्स। मैडम घर चलिए, मेरे से नहीं देखा जाता, आप अकेले पड़े हैं, उधर साहब जो हैं तो दिन से ऑफिस नहीं गए हैं, कुछ खाया भी नहीं है, बस कुर्सी पर बैठे समंदर की तरफ देखते रहते हैं। उधर प्रीति बेबी, वो बोलती है मम्मी ने मुझे यहाँ आने से मना किया है, कहती है तुम यहाँ आके रोगी तो मेरा भी मन खराब होगा। वो बार बार फोन करके पूछती है कि मम्मी का कोई फोन आया, पापा को कुछ खिलाया तुमने, अब मैं क्या करूं बताइए, या तो मुझे भी अपने पास यहीं रख लीजिए या आप अभी मेरे साथ वापस घर चलिए। मरियम,
तुम भी अगर यहाँ आ गई तो फिर साहब को कौन संभालेगा? देखिए ना, आप यहाँ रहकर भी साहब की चिंता कर रहे हैं। जिद मत करो, घर चलो ना वापस। देखो मरियम, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मैं इसी घर में रहूंगी और अकेले रहूंगी। बस अब तुम जाओ, तुमको देर हो रही है। अच्छा, अपना ख्याल करो संभाल के। वैसे तो हमारा कॉलेज हार गया, मगर आपसे एक बात कहे बिना मैं नहीं रह सकता। यू आर रियली फैबुलस। ओके, आई रियली थिंक यू वर द बेस्ट गर्ल इन द होल शो। यू थिंक सो? थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। अरे यार तेरी गाड़ी नहीं आई यार। विक्की, अरे विक्की आ, एक सेकंड। हाय विक्की। अरे यार तुम कहां थे? मैं तुमको अंदर ढूंढ रही थी। कहां थे तुम? मैं तो देख ही रहा हूं कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। तुम शो नहीं देखो? अगर आ जाते तो क्या होता? अरे टेल मी वन यार, समबडी टेल मी वन। मी वन गार्ड के काम से जरा देर। अच्छा तुम लोग कैसे जाओगे? तुम लोग जा कैसे? जा रहे मेरी गाड़ी आ रही है। हां ये मेरी गाड़ी। चल चल चल, हम लोग निकल जाते हैं। चलो बाय बाय बाय। सी यू। अनु अनु यार, क्या आज विक्की को डिच कर देना यार। ए चुप 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 इडियट। अब चलें? हां बाइक किधर है? यहां पे पार्किंग की जगह नहीं मिली इसलिए आगे पार्क कर दी। थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। अरे यार इतना मजा आया। पता है जानते हो बीच में क्या हुआ? क्या? मेरी ना सैंडल की स्ट्रैप टूट गई। ओह गॉड, आई वाज सो नर्वस। मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन तुमने बाल कटवाए? हाँ, अच्छे नहीं लग रहे? मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने बाल कटवा लिए? ओ छोड़ो ना विक्की, सुनो तो उसके बाद क्या हुआ। बोलो। मैं इतनी स्टाइलिशली रुकी वहां पे, जूता निकाला, अरे नंगे पांव आई जस्ट वॉक डाउन द कॉरिडोर। अरे यार क्या तालियां बजी हो बड़ी है, मस्त मस्त। सुनने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त, यही सुनना रहना बाकी क्या था? तुम मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इस किस्म के कपड़े पहने? डोंट बी सिली प्लीज, ऐसी छोटी छोटी बातों पे अटको मत यार प्लीज। हाँ तुम्हें तो ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट लगेगा ना विक्की? वो लोग चिढ़ा के चले गए, दे डोंट मीन इट, इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। तो कर लो इसको और थोड़ा नीचे। बिहेव योरसेल्फ, ठंडक मिल जाएगी तुम्हें। अब चलो खाना खाने नहीं चलना, चलो। मुझे खाना खाने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि खाना खाने जाएंगे तो देर हो जाएगी, कल सुबह जल्दी उठना है, मेरा मेडिकल है। तुम भूल गए? पास हो जाओगी तो मेडिकल में।
अरे नहीं यार, मैं इतना नर्वस हो रही हूँ, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, पता नहीं क्या होगा। ओ गॉड, इस किस्म के कपड़े पहन के चली जाओ, पास हो जाओगी तुम। छी, कितनी चीप बात कही तुमने। Have you heard yourself? सुना तुमने क्या कहा? कितनी घटिया, कितनी गंदी बात कही, कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा। मेरा दिमाग गंदा है, मैं घटिया सोचता हूँ, और तुमने जो पहन रखा है वो बहुत डिग्निफाइड है। सती सावित्री लग रही हो। हाँ, तुमसे किसने कह दिया कि मैं सती सावित्री लगना चाहती हूँ? फिर क्या, you want to look like a slut? How dare you? How dare you talk to me like this? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मुझसे इस तरह बात करो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम? You want to know what's my problem? कोई बंदे से कह दे कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी अनजान शहर अकेला रहना पसंद कर रही है, ये मेरी प्रॉब्लम है। Do you understand? नहीं नहीं नहीं, ये That is my problem. ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं वहाँ अकेली रहूंगी, तुम्हें ये लगता है कि मैं वहाँ किसी और के साथ रहूंगी। I'll get involved with somebody else. ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। Yes, यही मेरी प्रॉब्लम है। तो यही सही, अब करना क्या? तुम मुझे इतना ट्रस्ट करते हो, ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? I don't trust you at all now. Okay? हाँ हाँ, you don't trust. अब चलो। इतना गंदा सोचते हो तुम मेरे बारे। ओह, मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। तो ठीक हो? भटको, भटको इन अंधेरी सड़कों पर। कर लो अपना कैटवॉक यहीं। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां।